हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पिछले हम टॉपिक में हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़े, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, कैसा कंपोनेंट है। आज इसके कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ने के तरीके पर चलते हैं, इसे कितने प्रकार से जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में जोड़ना, श्रृंखलाओं में जोड़ना, कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती है उस, ठीक है। तो रजिस्टर को हम लोग दो कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को कौन कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये रजिस्टर जो होती है पहली रजिस्टर यानी कि एक से अधिक रजिस्टर को जोड़ेंगे उसी के कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक से अधिक होने चाहिए। तो पहले रजिस्टर का अंतिम सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से तथा दूसरे रजिस्टर का अंतिम सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा हो, इस श्रृंखला को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर। पहले रजिस्टर का अंतिम सिरा दूसरे रजिस्टर का पहले सिरे तथा दूसरा रजिस्टर का अंतिम सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जोड़ा जाए, इस श्रृंखला को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, देखिए यही चीज को डिफाइन हम लोग किया है। रजिस्टरों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक रजिस्टर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे और दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा होता है, इस श्रृंखला को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यस, क्लियर। इस कॉम्बिनेशन द्वारा टोटल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आरटी, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन, यानी कि जितना रजिस्टर होगा उतना, जितना रजिस्टर इसमें जुड़ा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, इस तरह क्रम बढ़ता जाएगा। दैट्स क्लियर। ये तो पहला हमारा फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, यदि सभी रजिस्टर का मान समान है तो टोटल रजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, यदि एक समान वैल्यू का तीनों रजिस्टर है या दो रजिस्टर है तो निकालने का फार्मूला आर टी इक्वल टू वन सेकेंड आर टी इक्वल टू एन इंटू आर। यहां पर आर टी क्या है, टोटल रजिस्टेंस है, ओम में होता है। आर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है इन ओम में। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कितने नंबर रेजिस्टेंस लगे, यानी एक दो तीन, तीन रजिस्टर लगा तो तीन नंबर हो गया, चार रजिस्टर लगा तो चार हो जाएगा, यदि तीनों की वैल्यू एक समान हो तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट से कुछ नोट्स देख लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों के क्रॉस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हमारा, यहां देखिए क्या लिख रहा है, लिखा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों के अक्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज गैप, यानी वोल्टेज गैप मतलब विभवांतर मींस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पैदा होने वाला वोल्टेज गैप यानी कि विभवांतर अलग अलग होता है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हमारा
पैदा होगा जो भी रजिस्ट्रेशन जो भी वोल्टेज ड्रॉप पैदा होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि इसके क्लास R1 के क्लास जो वोल्टेज मिलेगा हमको विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप वो अलग होगा R2 के अपेक्षा, R3 के अपेक्षा। इन तीनों रजिस्टेंस अलग अलग मान का हो तो सभी का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। यानी कि VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN। ये पाला R1 के इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 मिलेगा, R2 के इक्वल टू क्या मिलेगा, V2, R3 के समानांतर हमको क्या मिलेगा, V3। दैट्स क्लियर। उसी तरह क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों में बहने वाला विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट समान होता है। यानी कि इसमें से जो हमारा करंट फ्लो होगा इस रजिस्टर में से तीनों रजिस्टेंस में जो फ्लो होगी हमारी करंट क्या होगी, हमारी एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगा, एक ही वैल्यू का करंट हमारे तीनों के क्रॉस फ्लो होगा। इसी को हम लोग यहां पर डिनोट किए हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों के क्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। उसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों में बहने वाला विद्युत धारा का मान समान होता है। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, तीनों रजिस्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया, पहला सिरा और इसका अंतिम सिरा कनेक्ट करके हमने टोटल रजिस्टर्स का मान निकाल लिया। पहले सभी का पहला सिरा और सभी का अंतिम सिरा एक दूसरे से जुड़े हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सभी रजिस्टरों का पहला सिरा आपस में और सभी रजिस्टरों का अंतिम सिरा आपस में जुड़ा होता हो तो ऐसे श्रृंखला को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर, यानी इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, सभी रजिस्टरों का मान यदि अलग अलग हो तो टोटल रजिस्टेंस का मान क्या होगा, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस .. 1/RN। ये इसका टोटल रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। यदि सभी रजिस्टरों का मान समान हो, ठीक है, यदि सभी रजिस्टरों का मान समान यानी एक समान वैल्यू की होगी तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, RT इक्वल टू R/N, वेयर RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इन ओम, R इक्वल टू रेजिस्टेंस इन ओम, N इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए नोट्स क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों के क्रॉस कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों के क्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान होता है। यानी कि यदि हम यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप हमारी होगी तीनों के क्रॉस सेम होगा, यानी कि तीनों पर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VT के इक्वल टू होगा, यानी टोटल VT जितना होगा हमारा टोटल विभवांतर जो है पैदा होने वाला क्या होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है इसमें विभवांतर टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा यानी कि एक समान होगा। लिखा गया है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों का एक्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान होता है। यानी कि पैरेलल सर्किट में जो भी है, पैरेलल सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होती है वोल्टेज ड्रॉप यानी विभवांतर समान होती है। दूसरा नोट है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों में बहने वाली विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। यानी कि जो करंट यहां आएगा हमारा वो यहां से अलग चला जाएगा, एक करंट इधर जाएगी या दूसरी करंट इधर जाएगी, ठीक है।
यानी कि तीन करंट हो जा रही है, तीनों का अलग अलग यानी फ्लो हो रहा है। तो तीनों रजिस्टर में क्या होगा, करंट अलग अलग मान का प्रवाहित होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टरों में बहने वाली विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। क्लियर। इसीलिए आईटी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस डॉट 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 आई एन। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। रजिस्टर को दो कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों आज आपको बता दिया गया। आशा है कि ये वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।